एशिया कप 2023 में सुपर चार के चरण में 10 सितंबर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की शुरुआत हुई। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकाबले की पहली पारी में 24.1 ओवर ही हो पाए थे और इसी बीच अचानक से बारिश आ गई। बारिश के चलते मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और इसे अगले दिन के लिए रिजर्व डे पर टाल दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये रिजर्व डे भारतीय की परेशानी बढ़ा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए क्यों खतरा साबित हो सकता है रिजर्व डे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से पहले ही रिजर्व डे का ऐलान कर बता दिया गया था कि अगर बारिश के चलते तय दिन पर मैच पूरा नहीं हो पाता है तो अगले दिन मुकाबले की शुरुआत वहीं से होगी जहां से उसे रोका गया था। बता दें, कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले को 11 सितंबर सोमवार दोपहर 3 बजे से दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच फैंस के मन में एक जरूरी सवाल चल रहा है कि क्या होगा अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश आ गई तो। ऐसे तो रिजर्व डे पर एम्पायर्स कोशिश करेंगे कि मैच पूरा हो सके, अगर 50 ओवर का नहीं तो इससे कम ओवर्स का ही। पर अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो बारिश की वजह से मैच धुल जाता है तो दोनों टीम से एक बार फिर एक एक पॉइंट बांट लेगी और फिर सुपर चार से फाइनल्स तक जाने के लिए दोनों टीम्स को अपने बचे हुए मैच जीतने होंगे। भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हराना होगा। वही पाकिस्तान बांग्लादेश को पहले ही 7 विकेट से हरा चुका है। उसका इकलौता मुकाबला श्रीलंका से होना है। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए अच्छा क्यों नहीं है रिजर्व डे। 2021 में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेला था। बारिश के चलते मैच में छठे दिन को रिजर्व डे रखा गया था जिसमें भारत को 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। चैंपियनशिप फाइनल के मुकाबले में पहला और चौथा दिन बारिश के चलते धुल गया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने रिजर्व डे पर मैच कराने का फैसला किया था। लेकिन वो रिजर्व डे भारत के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। शायद इसी कारण से भारत के लिए रिजर्व डे को अच्छा नहीं माना जाता है। बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 में तीसरा मुकाबला खेल रही है और तीनों ही मैच में बारिश ने खलल पैदा की है। टीम ने ग्रुप स्टेज में पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जो बारिश के चलते रद्द हो गया था। आपको बता दें कि एशिया कप के सुपर चार में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले को बारिश के चलते रिजर्व डे पर वहीं से खेला जाएगा जहां मैच रुका था। शुक्रिया।